आज हम एक्सरसाइज 8.3 पूरी और पहले उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.3 बहुत ही आसान तरीके से फुल हल करेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट, साइन 90 माइनस थीटा यदि दिख जाए, साइन 90 माइनस थीटा तो ये होता है कोस थीटा, मींस 90 हट जाएगा और साइन की जगह पर आ जाएगा कोस, कोस थीटा। अगर कोस 90 माइनस थीटा दिख जाए तो आ जाएगा साइन थीटा, 90 हट जाएगा थीटा आ जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, उल्टा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन का कोस, कोस का साइन हो जाता है 90 माइनस करके, और टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस तरह से बस ये तीन ही मानेंगे, क्योंकि ये दोनों एक से हैं, ये दोनों एक से हैं, ये दोनों एक से हैं। इन तीन ही सूत्रों के आधार पर हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। इन सूत्रों को आप उतार लीजिए। पहला सवाल देखते हैं। अब ये दोनों के मान हम नहीं जानते हैं, ना साइन 18 का जानते हैं ना कोस 72 का जानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों में से किसी एक को 90 में से घटा के लिख दिया जाता है, किसी भी एक को। तो साइन 18 को 90 माइनस, मींस 90 में से कितने जाएं जो 18 बचे, तो इसे लिख दिया जाता है 90 माइनस, 90 में से 18 गए तो कितने बचे 72, यानी 72 लिख दिया जाएगा। और दूसरा हल्का सा कॉन्सेप्ट ये, नीचे जितने हैं उतने ही लिख दिए जाएंगे, लेकिन कोस 90 में से कितने घटाएं जो 72 बचे, मतलब 18 बचे तो 72 घटाएं, तो कोस 90 माइनस 72 साइन 90 माइनस 72 बटा कोस 72, ये कितना हो गया साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 हटा दिया जाएगा, कितना बचेगा साइन 72 बटा कोस, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कोस थीटा। तो ये जब इसे 90 को हटाया जाएगा तो साइन की जगह पर कोस लिख दिया जाएगा। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, साइन ही रहने देते हैं, लेकिन कोस लिख दिया जाता है। और बटा कोस 72, कोस 72 से कोस 72 कट जाएगा, ऊपर नीचे का कटेगा तो बन हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी एक को 90 माइनस में तोड़ दिया जाएगा, तो 90 माइनस 64, 26 को लिख दिया जाएगा 90 माइनस 64, 90 में से 64 गए कितने बचे 26 बचे, और बटा कोट 64 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब इसे मिटा देते हैं इस साइड के, उसके बाद क्या करा जाएगा, ये टेन 90 माइनस 64, 90 हट जाएंगे, टेन का क्या बन जाएगा कोट, यानी कोट 64, कोट 64 बटा, और बटा ऐसी कोट 64 ऐसी के ऐसी लिख देंगे, कोट 64, कोट 64 से कोट 64 कट गया, ऊपर नीचे का कुछ नहीं बचा तो एक बचा, ऊपर नीचे का जब कटता है तो एक बचता है, कोट 64 से कोट 64 कट गया, एक बच गया। अब अगला सवाल करते हैं, पहले का तीसरा क्या है, कोस 48 माइनस साइन 42। अब किसी एक को दो ऐसे मान आ जाएं जिसका मान हम नहीं जानते हो, तो किसी एक को 90 माइनस में तोड़ दिया जाता है, इसे लिख देंगे कोस 90 माइनस 42, 90 में से 42 जाएंगे कितने बचेंगे 48, और माइनस साइन 42 ऐसे लिखा रहने देंगे, एक को ऐसे रहने देते हैं, एक को तोड़ देते हैं। जब इसे तोड़ा जाएगा तो कोस काय में बन जाएगा साइन में, साइन 42 और माइनस ये साइन 42 ऐसे लिख दिया जाएगा, साइन 42 से साइन 42 कट गए, कितना आ गया उत्तर जीरो निकल के आ गया। ये पहले के चौथे की ओर चलते हैं। पहले का चौथा क्या है, पहले का चौथा कोसेक 31, कोसेक 31 माइनस सेक 59, सेक 59, तो किसी एक को तोड़ दिया जाएगा, किसी भी एक को, तो इसे ही तोड़ लेते हैं पहले वाले को ही, कोसेक 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से 59 जाएंगे तो 31 बचेंगे, 90 माइनस 59 ये 59 है, 90 माइनस 59 और माइनस सेक 59 ऐसे ही लिखे रहने देंगे, कितना बचेगा फिर कोसेक बन जाएगा सेक, और 90 ख़त्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 59, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और माइनस सेक 59 ये ऐसे ही रहने देंगे, सेक 59 से सेक 59 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा जीरो, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे का पहला, टेन 48 टेन 23 टेन 42 टेन 67 बराबर एक, ये हमें सिद्ध करना है, तो LHS ले लेते हैं। पहले LHS का मीन्स होता है बराबर से इधर का हिस्सा, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS मीन्स बराबर से उधर का हिस्सा, यानी हमें ये लेकर चलना है और ये सिद्ध करके लेके आना है इधर वाला। तो LHS लिखने के बाद पहले LHS की पूरी लाइन उतार देते हैं, टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री 69। अब ये क्या हो जाएगा, किन्हीं दो को
किन्हीं दो को हम 90 माइनस में तोड़ देंगे, जैसे इसे तोड़ेंगे तो 90 में से 42 जाएंगे तो 48 बचेंगे, यानी ये वाला हमें लिखा पड़ा 42, और इस 90 में से 42 घटाना पड़ेंगे तो यानी इसे तोड़ देंगे। 23 को तोड़ देंगे, 90 माइनस 67 भी लिखा पड़ा है, तो यानी इन दोनों को तोड़ देंगे, इन दोनों को छुएंगे भी नहीं बिल्कुल, यानी 48 को लिख दिया जाएगा 90 माइनस 42 इंटू 90 माइनस 67 इंटू, ये ऐसे रहने देंगे, कितना है 10 42 इंटू 10 67 10 42 इंटू 10 67। अब ये पहले चतुर्थांश में है, चतुर्थांश अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे जाके होगा, क्योंकि 90 माइनस का ही कॉन्सेप्ट है बस। तो 90 माइनस 10 का क्या हो जाता है कोट, और ये 42 ऐसे लिख देंगे, इंटू 10 90 माइनस 10 का क्या हो जाएगा कोट, और ये 67 ऐसे रहने देंगे, इंटू 10 42 इंटू 10 67। अब जो कोट होता है वो 1/10 होता है, क्योंकि कोट और टेन होते हैं बिल्कुल आमने सामने, लाल बटे का काम है, तो इस कोट को लिख दिया जाएगा 1/10 42 इंटू 1/10 67, ये ऐसे रहने देंगे, इंटू 10 42, इनसे तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है, इंटू 10 67, 10 67 से 10 67 कट जाएगा, 10 42 से 10 42 कट जाएगा, ऊपर नीचे का गुणा का निशान, 1 × 1 यही हमारा RHS उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब दूसरे के सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे का दूसरा सवाल, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0। तो LHS लेकर चलेंगे, उत्तर वो सामने लिखा पड़ा है, वो लेकर आ जाएंगे। तो पहले LHS लिखेंगे, यहाँ बराबर से इधर का पूरा हिस्सा उतार लिया जाएगा, cos 38 × cos 52 बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार लिया जाएगा जैसे लिखा हुआ है, sin 38 × sin 52। अब इसमें किसी एक को 90 में से तोड़ लिया जाएगा, यानी कोस, अब इसे 38 को तोड़ लेते हैं, 38 को क्या लिख लेंगे, 90 माइनस 52 और इसे ऐसे रहने देंगे, cos 52 माइनस साइन, इसे लिख लेंगे क्या, 90 माइनस 52 इंटू साइन 52 ऐसी रहने देंगे, मीन्स 52 से बिल्कुल बोले नहीं, 52 को ऐसे के ऐसे रहने दिया, और 38 को तोड़ दिया 90 माइनस में 38 को तोड़ दिया, या फिर 38 को नहीं बोलते 52 को तोड़ देते, दोनों तरीके से हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा, कोस का बन जाएगा साइन 52, ये हट जाएगा 90 इंटू कोस 52 माइनस साइन का क्या हो जाएगा, कोस 52 इंटू साइन 52। अब साइन 52 कोस 52 बिल्कुल सेम है, ये प्लस माइनस के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा उत्तर, 0, यही RHS होगा हमारा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस तरीके का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो चीज़ दे रखी है पहले उसे उठा लेंगे। tan 2a बराबर कितना है कोट a माइनस 18 डिग्री, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान, इसे ऐसी रहने देंगे, tan 2a बराबर इस वाले को tan लिख देंगे, क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करना है, a का, जब a का मान हमें ज्ञात करना है तो इसका मीन्स ये tan और cot ख़त्म करना पड़ेंगे, तभी तो a का मान ज्ञात होगा, tan और cot ख़त्म होगा, अब यहाँ पर tan है, अब इसे cot और tan तो कट नहीं सकते आपस में, लेकिन cot की जगह tan हो जाए तो कट जाएंगे, तो इसलिए हम cot को लिख लेंगे tan। अब cot को tan कब लिखा जाएगा, जब 90 माइनस होगा, 90 माइनस कौन सा, ये जो लिखा पड़ा है टोटल ऐसे लिख देंगे a माइनस 18 डिग्री, तो इसे बड़ी ब्रेकेट में बंद कर देंगे। अब इसे जब खोला जाएगा, इसे 90 को हटाया जाएगा तो tan काय में चेंज हो जाएगा cot में, और ये ऐसे लिख दिया, यानी ऊपर हो गया, ये बात सेम है बिल्कुल। अब tan से tan कट जाएगा, क्या करा हमने, cot की जगह tan लिख दिया, 90 माइनस करके ये वाली चीज़ लिख दी, बस और कुछ नहीं करा गया है। तो 2a बराबर कितना हो गया, 90 10 से 10 कट गया, 2a बचाया बराबर 90, इसकी माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस a माइनस माइनस प्लस के 18, माइनस a उठ के इधर को आ जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे 2a इधर को आके प्लस के a बराबर 90, ये प्लस के कोई निशान नहीं, 18 ये कितने हो गए 108, 2a और 1a ये हो गए 3a बराबर 108, a को यहीं रहने देंगे बराबर 108, 3 आ जाएंगे नीचे, 3 से काट देते हैं, 3 × 3 = 9, एक बचेगा 18 हो जाएंगे, 3 × 6 = 18, यानी a का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चौथे सवाल की ओर चलते हैं।
टेन ए बराबर कोट बी, तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तीन लाइन का सवाल है, सिर्फ इसे ऐसे रहने देते हैं, जो दे रखा है उसे पहले उतार लेते हैं। इस टेन को ऐसी रहने देते हैं, कोट को लिख देंगे टेन, लेकिन यहाँ क्या कर देंगे 90 माइनस, और जो यहाँ पर है यहाँ क्या है बी, फिर टेन से टेन कट जाएगा। ए बराबर कितना 90 माइनस बी, बी को इस साइड लेके आएंगे, इस साइड आके बी का हो जाएगा प्लस का, यानी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। पांचवा सवाल, ये भी बिल्कुल तीसरे सवाल की तरह है, बहुत ही आसान सवाल है, जो हमें पहले दिए हुई चीज़ है उसे उठा लेते हैं। सेक फोर ए बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस 20 डिग्री। अब होगा क्या, यहाँ पर सेक है तो इस साइड सेक लिख देंगे और 90 माइनस कर देंगे, बस बात ख़त्म। सेक फोर ए बराबर यहाँ लिख देंगे सेक, और 90 माइनस ये वाली चीज़ सेम लिख देंगे, ए माइनस 20 डिग्री। इस तरह से ब्रेकेट बंद कर देंगे, सेक से सेक कट गया, कितना बचा 4a बराबर 90 माइनस, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगी माइनस a, और 20 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। a को इस साइड ले आएंगे, 4a इधर को आकर a प्लस का बराबर 90, और 20 कितने हो गए 110, ये हो गए 5a बराबर 110, a बराबर 110, और नीचे आ जाएगा 5, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, एक बचेगा फिर 10 हो जाएंगे, फिर 5 दूनी 10, यानी ए का मान हो जाएगा कितना 22 डिग्री, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। छठे सवाल की ओर चलते हैं। छठा सवाल, यदि ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंताकोण हो तो दिखाइए कि, यानी ए बी सी जो है वो त्रिभुज ए बी सी के अंताकोण, हम जानते हैं अंताकोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं त्रिभुज के अंताकोणों का योग, अंताकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मीन्स हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब उसके बाद ये बटे में दो आ रहा है सबके, तो दो से भाग कर दी जाएगी, बस दो से भाग सबके नीचे दो लिख दिए जाएंगे, ए बटा दो प्लस बी बटा दो प्लस सी बटा दो बराबर 180 बटा दो, दो से काट देंगे 90 बार कटेंगे। अब थोड़ी चालाकी चलेंगे इसमें, चालाकी क्या चलेंगे, जो पल्ली तरफ है ए बटा दो है उधर, तो a बटा दो को उधर को फेंक देंगे पल्ली तरफ को, वायदा पे यहाँ b बटा दो होता तो इन दोनों को यहाँ रोकते, b बटा दो को उधर ले जाते, क्योंकि किताब से अलग अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, c बटा दो उधर होता तो c बटा दो को उधर लेके जाते, फिलहाल उधर a बटा दो है, तो b बटा दो प्लस c बटा दो बराबर 90 माइनस ए बटा दो, इस तरह से कर लिया जाएगा, इस साइड कर लेते हैं। इन दोनों का दो आ जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा बी प्लस सी बटा दो बराबर, दो एलसीएम ले लिया, दोनों एक से हैं तो बी प्लस सी बटा दो बराबर 90 माइनस ए बटा दो। उसके बाद ये देखा जाएगा उत्तर में यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है साइन, इस साइड में यहाँ साइन आ रहा है, तो लिख लेंगे दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर साइन लेने पर, साइन लेने पर, तो दोनों ओर साइन ले लेंगे, यानी इस साइड भी साइन लिख देंगे, साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर, इस साइड भी साइन लिख देंगे, साइन 90 माइनस ए बटा दो, फिर ये कितना हो जाएगा, इसे ऐसी रहने देते हैं, साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर, साइन का क्या बन जाएगा कॉस, क्योंकि 90 माइनस कॉस होता है कॉस ए बटा दो, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। इस एक्सरसाइज के लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी ये जो 67 और 75 हैं इन्हें 0 और 45 के बीच में हमें लिखना है, तो 0 और 45 के बीच में मींस लिखना हो गया इसे 90 माइनस में तोड़ना, यानी साइन 90 माइनस 90 में से कितने घटाए जाएँ, जो 67 बचे 23 घटा दिए जाएंगे, 90 में से 23 गए 67 बचेंगे, प्लस कोस 90 माइनस 90 में से कितने घटाए जाएँ 75 बचे 15, तो ये कितना हो गया फिर साइन का बन जाएगा कोस, यानी कोस 23 प्लस
कोस का क्या बन जाएगा, साइन, यानी साइन 15, तो कोस 23 डिग्री, साइन 15 डिग्री, 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना था, तो ये दोनों 0 और 45 के बीच में है, यानी कि यही उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह हमने त्रिकोणमिति पूरी फुल 8वां चैप्टर कर लिया। 8.4 इस बार सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो 8.4 हम नहीं करेंगे। अब अगली वीडियो में अगले चैप्टर के बाद मिलेंगे।